ये दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब है। नाम है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, यानी भूतों की दुनिया के नियम। इस बेस्ट सेलर बुक का हिंदी, मराठी, गुजराती समेत कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। हमने इस किताब को सबसे रहस्यमय कहा है क्योंकि दावा है कि इसे लिखने वाला कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि दो ऐसे भाई हैं जिनकी मौत हो चुकी है। किताब में लेखक के नाम की जगह इन दोनों भाइयों की मां खोरशेद भावनगरी का नाम है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने ये किताब नहीं लिखी, बल्कि उनके बेटों की आत्माओं ने उनसे किताब लिखवाई। जिस तरह से ये किताब लिखी गई, उसे ऑटोमेटिक राइटिंग कहते हैं, यानी कोई आत्मा किसी जीवित इंसान का हाथ पकड़कर उससे लिखवाए। मुंबई के भयंदर में रहने वाली खोरशेद भावनगरी ने 1980 में अपने दो जवान बेटे एक कार हादसे में खो दिए। मौत के करीब एक महीने के बाद एक महिला ने उन्हें बताया कि उनके बेटों की आत्मा उनसे संपर्क करना चाहती हैं। फिर जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था। घर में ध्यान लगाकर बैठने पर वो अपने बेटों की आत्मा की टाइपराइटर बन जाती थी। खोरशेद को सिर्फ गुजराती लिखनी आती थी, लेकिन उनके हाथों ने अंग्रेजी भाषा में किताब लिख डाली। They told me we want you to write a book. I said, how can I write a book? So he said, we will give you a message at certain time every day, and you have to go on writing till we tell you. So the whole first book was dictated to me by them. खोरशेद के मुताबिक ये किताब एक तरह से उनके बेटों की आत्मा का इंटरव्यू है। किताब के मुताबिक बेटों ने उनसे लिखवाया कि मौत के बाद उन्होंने एक रोशनी देखी और उसके साथ ही दो देवदूत आए जो उन्हें साथ में लेकर गए। वो उन्हें वहां पर ले गए जहां से आत्माओं का संसार शुरू होता है। इस किताब के मुताबिक आत्माओं के संसार में 7 स्तर या लेवल होते हैं जिनकी यात्रा कर्मों के हिसाब से तय होती है। पहला लेवल धरती के करीब भयानक लोगों से भरी अंधेरी सी जगह होती है। इसके बाद दूसरा लेवल आता है जो बेहद तकलीफ देने वाला होता है, इसमें झगड़े होते हैं। फिर आता है लेवल 3 जहां मौजूद लोग एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं और उन पर हमले करते हैं। चौथे लेवल में जीवात्मा के पास मौका होता है कि वो अच्छे कर्मों के आधार पर अगले लेवल तक जा सके। फिर लेवल 5 आता है जहां से स्वर्ग की शुरुआत होती है। लेवल 6 एक सुंदर और सुकून भरी जगह होती है, जबकि 7वां लेवल सबसे उच्च होता है। यहां आत्माएं देवदूत जैसी होती हैं, बादलों जैसी हल्की और सुंदर। किताब के मुताबिक 7वें लेवल में अगर किसी से कोई पाप हो जाए तो उसे नीचे के लेवल में भेज दिया जाता है। ये अजीब बातें हैं, लेकिन यकीन करने वाले इस पर यकीन करते हैं। किताब में मृत्यु के बाद की जो यात्रा बताई गई है वो सनातन धर्म से काफी मिलती जुलती है। खोरशेद भावनगरी कहती हैं कि इस किताब में लिखी बातों से उन्हें यही समझ में आया कि दुनिया में हमेशा एक अच्छा इंसान बनकर रहना जरूरी है। अच्छे कर्म ही मुक्ति का मार्ग खोलते हैं।